नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिका आर्यन। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर। वनाधिकार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आंदोलन का ऐलान। 22 जुलाई को देश भर में सड़क पर उतरेंगे आदिवासी और किसान। सभी मुख्यमंत्रियों से सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करने की अपील। लोकसभा में उठा जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देने का मुद्दा। शिवसेना सांसद ने पूछा, किसानों को कैसे होगा फायदा? कृषि राज्य मंत्री ने जीरो बजट फार्मिंग को परंपरागत कृषि विकास योजना से जोड़ा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा। विपक्ष ने उठाया खाद बीज की कमी और बिजली कटौती का सवाल। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर लगाया घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप। राजस्थान के बीकानेर में रेगिस्तानी टिड्डियों का प्रकोप जारी। खेतों में खड़ी फसलों को हो रहा भारी नुकसान। तेज हवाओं के चलते रोकथाम के उपाय साबित हो रहे हैं नाकाम। हरियाणा सरकार ने 5 जुलाई को मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया है, लेकिन किसानों को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि अगर कोई किसान अनपढ़ है तो वो अपने परिवार के पढ़े लिखे लोगों की मदद से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हरियाणा में इसके तहत रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही किसान भावांतर और दूसरी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार इस रजिस्ट्रेशन के जरिए दूसरे राज्यों के किसानों को अपने यहां फसल बेचने से रोकना चाहती है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार अनाज की सरकारी खरीद से बचना चाहती है, इसलिए ये योजना लेकर आई है। उनकी माने तो जिन किसानों की दो गांवों में जमीन है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे हमारी भावांतर भरपाई योजना है तो आलू प्याज गोभी टमाटर 5 रुपये किलो टमाटर पर और आलू पर और 6 रुपये किलो हम गोभी और प्याज पर देते हैं, लेकिन ये योजना हमने हरियाणा के किसानों के लिए चलाई है। तो इसलिए जो हरियाणा का किसान तो हमें तभी पता चलेगा जब वो रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो कोई भी लेकर आ जाएगा। किसी के नाम में अगर कोई अक्षर गलत हो गया तो वो पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा, और अगर किसी का टेलीफोन नंबर में एक अक्षर की कहीं ऊपर नीचे हो गया तो उसका पोर्टल पर दर्ज नहीं होगा। एक खेवट में अगर 4 लोग हैं तो एक का नाम ही पकड़ेगा। एक किसान की अगर 2 गांव में जमीन है तो 1 गांव की जमीन ही पकड़ेंगे। तो इस तरह से इसमें बहुत भारी परेशानियां लोगों को आ रही हैं। एक तरह से सरकार खरीद से भागने का पहले कैप लगा के कम खरीदेंगे, उसके बाद प्राइवेट को खरीदेंगे, उसके प्राइवेट एजेंसियां हमारे फसल खरीदने के लिए आएंगी। एक तरह से ये खरीद को से भागने का एक तरीका है। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रमुख गुरनाम सिंह जी। गुरनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये जो सरकार की तरफ से स्कीम लाई गई है, इसमें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमने पिछले दिनों भी देखा कि सरसों और सूरजमुखी की खरीद के समय भी किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। अब उन परेशानियों को देखते हुए क्या सरकार ने कुछ इंतजाम किए हैं ताकि इनको कोई दिक्कतें ना आए किसानों को इस बार? देखिए, वैसे तो इसका देखा जाए कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पटवारी हैं हमारे उनको रेवेन्यू रिकॉर्डों के पास है, उनको पता है कि किस खेत में क्या फसल बीजी हुई है और वो खेत किसके नाम है, ये उनके पास पहले से दर्ज है। इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा का दर्ज कराने की कोई जरूरत नहीं बचती। जैसे भी हमारे भाई कह रहे थे जी कि सब्जी का हरियाणा में किया है, सब्जी की तो मान सकते हैं, उसमें दर्ज कराने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो बाकी फसलें हैं उसमें दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं उदाहरण आपको जो ताजा ताजा उससे कितनी परेशानी होती और कैसे सरकार खरीद से कम करके खरीद को उससे भागना चाह रही है। पीछे जो रिपोर्ट आई है शांता कुमार कमेटी की, उसने कहा कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद को बंद कर दिया जाना चाहिए, और उसके तहत जो सरकार चली है ये रजिस्ट्रेशन कराने का उसने पहला स्टेप उठाया है। अब इसमें मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, सूरजमुखी की रजिस्ट्रेशन कराई थी,
उसमें 250 किसान ऐसे पाए गए जिनका कहीं पर कोई अक्षर टेलीफोन नंबर गांव कुछ भी गलत हो गया, तो 250 किसानों का पोर्टल पर नाम दर्ज होने के बाद उसकी खरीदने से इनकार कर दिया, कंप्यूटर ने नहीं उठाया कि आपका एड्रेस या कुछ भी आपका सही नहीं जी। दोस्त मैं अकेले जिला कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ जी। 243 किसान ऐसे रह गए जिनका पोर्टल पे दर्ज ही नहीं हुआ और पोर्टल बंद कर दिया गया। उसके बाद सूरजमुखी 10 क्विंटल से 12 क्विंटल के बीच निकलती है, लेकिन 7.5 क्विंटल ही एकड़ की खरीदी गई, जो बाकी उसकी 4 क्विंटल बची उसको छोड़ दिया गया जी। गुरनाथ जी, ये तमाम दिक्कतें काफी लंबे समय से आ रही है। मेरा यही प्रश्न है कि इन सब चीजों को देखते हुए क्या सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं कि ये दिक्कतें दूर हो सके और किसानों को सही मायने में सहायता मिले इससे? नहीं, अभी तक कोई ऐसा कदम विशेष नहीं उठाया गया जिसको हम ये माने कि आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। जो आधी खरीद करनी है वो भी गलत है, क्योंकि पहले जितनी मंडी में जाती थी उसको सारी को खरीदना होता था। अब इनका कैप लगाने का मतलब है कि हम इतने क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, उसका मतलब है कि खरीद से भागना है। और जितनी और तरह की नई दिक्कतें मैं बता रहा हूँ ना कि हमारा पूरा रिकॉर्ड पटवारी के पास है, वहां से ही उठा सकते हैं जी। गुरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बताते हुए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसमें तमाम दिक्कतें आ रही हैं और उनको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद ही किसानों को उस योजना का मुकम्मल लाभ मिल सकेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर के तमाम किसान और आदिवासी संगठन एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल देश भर के 11 लाख आदिवासियों को वनों से बाहर निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए 22 जुलाई को किसान और आदिवासी संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके साथ सभी संगठनों ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कोर्ट में आदिवासियों का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की है। किसान संगठनों ने संसद में पेश 2 निजी सदस्य विधेयकों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर भी आंदोलन करने की बात कही है। ये विधेयक मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पेश किए गए थे। 22 जुलाई 2 दिन पहले पूरा देश में, जिला में, ब्लॉक में, शहर में हजारों किसान और आदिवासी डेमोनस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनसे सुप्रीम कोर्ट के कान में आवाज़ पहुंचे जो लोग सही नहीं कर रहे हैं और एक इसको ध्यान में ले और जजमेंट 24 तारीख में ऐसा ना करे कि 1,22,00,000 आदिवासी रातारात बेघर ना हो जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जीरो बजट खेती को बढ़ावा देने की बात कही, जिसके बाद इसे जमीन पर उतारने को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। मंगलवार को लोकसभा में भी ये मामला उठा, लेकिन सरकार जीरो बजट खेती के सवाल से बचती नजर आई। वहीं जानकार भी सरकार के इस फैसले को महज जुमलेबाजी बता रही है। मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में पहली बार जीरो बजट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही, लेकिन इसके साथ ये योजना जमीन पर कैसे उतरेगी, देश की खाद्यान्न जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ऐसे कई सवाल खड़े हो गए। मंगलवार को महाराष्ट्र के बुलढाणा से शिवसेना सांसद प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 1972 के पहले तक किसान जीरो बजट फार्मिंग ही किया करते थे, लेकिन देश का पेट भरने तक का अनाज पैदा नहीं हो पाता था। इसके बाद सरकार ने खुद ही आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया। सांसद जाधव ने जीरो बजट फार्मिंग से किसानों को फायदा होने पर सरकार से जवाब मांगा कि क्या जीरो बजट की खेती करने के बाद किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा, किसान अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकेगा और किसानों को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके लिए कोई आकलन हुआ है क्या? हालांकि कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला शिवसेना सांसद जाधव के सवालों का सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। उन्होंने जीरो बजट फार्मिंग को पहले से चल रही परंपरागत कृषि विकास योजना से ही जोड़ दिया। इसके तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को 3 साल तक प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। इस बजट में किए हुए प्रवचन में जीरो बजट का पहली बार उल्लेख हुआ है और हम जीरो बजट खेती को परंपरागत कृषि हमारा जो एक प्रोग्राम है उसके चलते
इनको 2 हेक्टेयर तक 50,000 रुपए का 3 साल तक मदद करते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके। वहीं खेती किसानी के जानकार जीरो बजट फार्मिंग जैसी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। जीरो बजट खेती को पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों के साथ किया जाता है। इसमें बाहर से कीटनाशक, रासायनिक खाद या फिर आधुनिक उपायों का इस्तेमाल नहीं होता। और हाँ, ये जैविक खेती से भी अलग है। ऐसे में जानकार जीरो बजट खेती को महज छलावा बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये कंसेप्ट ही जो है अधूरा और डिफेक्टिव है, जिसको लोगों के सामने लेके जल्दबाजी में सरकार अति उत्साही होकर लोगों का ध्यान बटाने का प्रयास किया। एक तरफ तो सरकार कह रही है जीएम मस्टर्ड को जितना जल्दी हो सके इंट्रोड्यूस किया जाए, बीटी ब्रिंजल को लाया जाए, मतलब केमिकल फार्मिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रही है। दूसरी तरफ जीरो बजट फार्मिंग की बात कर रही है कि उसे प्रमोट करें। सरकार अपना मन तो साफ कर ले पहले, ये कोई छलावा और दिखावा है। समझ नहीं पा रहा थी कि सरकार चौराहे पे बैठ के किस दिशा में सही में जाना चाहती है, क्योंकि दूसरी तरफ जीएम फसलों के लाने के लिए भी तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो रही है ऐसा लगता है। सुनने में जीरो बजट फार्मिंग भले ही अच्छी लग रही हो, लेकिन जब बीज से लेकर खेती हर चीज ऊंचे दाम पर बाजार से आती हो, किसानों के सामने उत्पादन से लेकर कीमत तक में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मुकाबला करने की चुनौती हो, तब ये फॉर्मूला जमीन पर कैसे उतर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली से बिलाल सब्जवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये फॉर्मूला जमीन पर कैसे उतर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव युधवीर सिंह जी। युधवीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि जीरो बजट खेती, इसकी बात तो हुई है, लेकिन क्या हमारी मिट्टी, क्या हमारे किसान, क्या हमारे किसानों का जो बाजार, ये सब चीजें इसके लिए तैयार हैं? कितना समय आपको लगता है कि इसमें लगेगा? देखिए, बात जहां तक रूपाला जी ने जो संसद में बयान दिया, हमारी जो परंपरागत खेती है जी, उसको लेके जो प्रयास सरकार के द्वारा चल रहे हैं, वो सरकार उसको मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें स्कोप नहीं है, उसमें बहुत स्कोप है, और उसके माध्यम से हम उत्पादन को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉडल बना सकते हैं। जीरो बजट की जहां तक ये एक परिकल्पना है, जीरो बजट से खेती संभव है ही नहीं। कैसे जीरो बजट से होगी? लागत के बिना उसमें ट्रैक्टर है, बीज है, पानी देना है, सिंचाई के साधन उसके हैं, बिना पानी तो कुछ होता नहीं, और पानी आज सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है, दूसरा है, तो लागत तो लगेगी, हम उसको जीरो बजट तो कह ही नहीं सकते जी। बात तो यही हो रही थी कि गोइंग बैक टू बेसिक्स, इस पर 2 बार जोर देकर इस बात को बजट भाषण के दौरान रखा गया बाकायदा, और उस पर यह भी बात हुई कि जो उत्पादन लागत है, जब वो कम होगा तो ऑब्वियसली किसानों की जो खेती की लागत है वो कम होगी, इसी वजह से शायद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जीरो बजट की बात हो रही है। बात लागत घटाने की बात से मैं सहमत हूँ कि लागत घटानी आवश्यक है, किसान की लागत बहुत बढ़ गई है, लेकिन जीरो बजट और लागत कम करने, दोनों बातों में फर्क है। तो सरकार ने कहीं बिना सोचे समझे अति उत्साह में आके कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं उठा के और उसको रख दिया पार्लियामेंट के सामने जी। ये बिल्कुल अच्छी बात उसी बात को लेकर जो हमारी परंपरागत जो हम कृषि जो हमारी रही है, जहर मुक्त रसायन मुक्त खेती की हम बात करते हैं, और ऐसा नहीं है हमारे पास उसके संसाधन उपलब्ध नहीं है, हम उसमें सक्षम है और उत्पादन क्षमता भी उसमें कोई ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है, ये ऐसा हमारा मानना ही नहीं है। हमारे एविडेंस है हमारे पास, इस तरह की रिसर्च है हमारे किसानों के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो उस पर सरकार बढ़ रही है, वो अच्छी बात है जी। एक तरफ सरकार प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, खेती में भी कॉर्पोरेटाइजेशन के तरीके लाने की बात हो रही है, और जो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो उसकी भी जो सब्सिडी है वो 9,900 करोड़ रुपए से बढ़ी है, जबकि परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें तो उसका बजट पहले जो 300 था वो महज 325 करोड़ हुआ, यानी महज 25 करोड़ की उसमें बढ़ोतरी। तो आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? इसमें कहीं तालमेल नजर नहीं आ रहा, कहीं एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है।
सरकार को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आना पड़ेगा। सरकार का हमारी मांग सरकार से ही रही है, आज जिस तरह का वातावरण देश में बढ़ा, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो रासायनिक खेती है, जो रासायनिक खाद है, जो पेस्टिसाइड्स है, जिसका अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। आज हर आदमी, दूसरा आदमी डायबिटीज से परेशान है, हार्ट डिजीज है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किडनी फेलियर है, ये तमाम चीजें इस खान पान की वजह से, जहरीला जो हम रसायन डालते हैं खेतों में उसकी वजह से उत्पन्न हुई है। और अगर हमको बचाना है अपनी ह्यूमन हेल्थ को, अपनी सॉयल और वाटर कंटामिनेशन को बचाना है, तो हमको परंपरागत खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं हमारे पास। और हम ही नहीं, दुनिया के तमाम जागरूक लोग आज जो है जहर मुक्त जी बात सही बात है, परंपरागत खेती की तरफ जाएं, लेकिन क्या बिना जो जीरो बजट खेती की बात हो रही है, बिना केमिकल्स के, बिना फर्टिलाइजर्स के, क्या उस तरह की प्रोडक्टिविटी संभव है जिस जगह आज हम हैं, जितने उत्पादन क्षमता की जरूरत है? ठीक है कि वो जीरो बजट का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफेक्टिव है, उसको मैं हो ही नहीं सकता। परंपरागत खेती भी हम करेंगे तो उसके लिए भी हमको जो खाद है, जो दवाएं हैं, वो जो हम हर किसान तो तैयार नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हम केमिकल की बजाय अपने जो उपलब्ध अपने पेड़ पौधों से तैयार करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, जो मनुष्य जीवन पे दुष्प्रभाव नहीं डालती हैं जी। उनकी मार्केट बढ़ेगी, उनकी उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहाँ रिसर्च हो रही है, ऐसा नहीं है सरकार नहीं कर रही है। अब वेस्ट डिकम्पोजर है हमारे गाजियाबाद में, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, उन्होंने तैयार किया और किसानों ने उसको हाथों हाथ लिया। देश में हजारों किसान उसके बाद हमसे खेती कर रहे हैं, रसायन मुक्त खेती है वो जी। तो उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। खाद को किसे उन्नत किस्म के खाद तैयार करें, किस तरह से अपने पुराने जो मेथड है उनसे हम रसायन ऐसे तैयार करें जिससे कीटों को कंट्रोल किया जा सके, तो इन सब पे काम होने की आवश्यकता जी। बहुत बहुत शुक्रिया युद्धवीर जी इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने भूपेश बघेल सरकार को खाद, बीज और बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर घेरा और स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन हंगामे के चलते इस पर चर्चा नहीं हो पाई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, बीजेपी और बीएसपी के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के आसन के सामने आकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सरकार के सामने बहुत सारे प्रश्न मेरे सभी सदस्य उठाना चाह रहे थे, मगर सरकार ने अनुमति नहीं दिया और उसके विरोध में हम लोगों ने विधानसभा का पूरा विपक्ष ने बहिष्कार किया है। और एक पीड़ा के साथ इस पवित्र सदन को हम जब हाउस को छोड़ते हैं तो ये पीड़ा होती है कि विधानसभा जिस प्रकार किसानों के मामले में सत्ता पक्ष का जो भूमिका है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए लगातार कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी जो किसानों का हित नहीं किए, इसलिए 15 साल राज करने के बाद 15 सीटों में आके सिमट गए हैं और किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश से मॉनसून ने मध्य प्रदेश के किसानों में जितनी उम्मीद जगाई थी अब उतनी ही निराशा दिखाई दे रही है। 8 जुलाई के बाद बादल ऐसे रूठे हैं कि किसानों को सूखा पड़ने और फसलें चौपट होने का डर सताने लगा है। अब क्या देखेंगे, एक हफ्ता कोई अर गया यानी 70% नुकसान तो हो चुका, अब क्या होगा। किसान मायूस है क्योंकि बादल बगैर बरसे ही आगे बढ़ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जून के आखिरी और जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश हुई, लेकिन इसके बाद बादल जैसे नाराज हो गए। नलकूपों में पहले ही पानी नहीं बचा था, ऐसे में बारिश न होने से किसानों को अपनी फसलें सूखने की चिंता सता रही है। सोयाबीन सूख रही है, फसल पानी नहीं गिर रहा तो सब्जी सूख रही, मक्का सूख रही, मूंगफली सूख रही, ये सब सूख रही है। खेती में सोयाबीन सूख रही, मक्का, तोर, मूंगफली, सब्जी, भट्टे, लौकी सभी सूख रहे हैं सर। बोर में पानी नहीं बढ़ा है, पीने में भी अभी दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात जो है कि सोयाबीन हो गई है अपनी 20 दिन की और उसमें फुल पानी की जरूरत है।
तो उससे क्या है कि उसमें नीचे से वो है ना सूख रही है। मध्य प्रदेश में इस साल जुलाई के पहले 15 दिनों में महज 188.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 29.5 मिलीमीटर कम है। इस साल जहां 8 जिलों बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, सीधी, बैतूल, गुना, होशंगाबाद और विदिशा में सामान्य से कम बारिश हुई है, वहीं अनूपपुर, नरसिंहपुर और शहडोल कम बारिश का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग जुलाई के आखिरी हफ्ते में बारिश होने की संभावना तो जता रहा है, लेकिन अभी बारिश न होने से खेतों में फसल के लिए जरूरी नमी घटने का खतरा खड़ा हो गया है। चूंकि अभी बीच में वर्षा हो चुकी है तो आज के समय तक तो ठीक है, सामान्य है, लेकिन चूंकि जुलाई के महीने में 12 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर लगभग सामान्य वर्षा होती है, तो उतनी कम होती जाएगी, तो निश्चित तौर पर आगामी और जो है ये होगा तो उसमें डिफिशिएट में चली जाएगी, नॉर्मल से जो है कम होते जाएगा। कभी सूखा तो कभी बारिश, मौसम में इसी उतार चढ़ाव की वजह से खेती को मौसम के साथ जुआ कहा जाता है। फिलहाल बादलों से निराश किसानों की उम्मीदें भी बादलों पर टिकी है कि वे एक बार फिर मेहरबान होंगे और फसलों के साथ साथ उनके चेहरे भी खिल उठेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से कौशल किशोर चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। पहले मानसून में देरी, फिर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और बाढ़, मौसम के मिजाज में आया ये बदलाव केले की खेती करने वालों की तबाही की वजह बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। हर तरफ तबाही, एक भी पेड़ सलामत नहीं। फल से लदे पेड़ों को चौपट देखकर हैरान परेशान किसान। ये तस्वीरें हैं बिहार के छपरा जिले की, जहां 11 जुलाई को आंधी तूफान के साथ आई तेज बारिश केले के इन पेड़ों के लिए कहर बन गई। देखते ही देखते किसानों की साल भर की मेहनत और लाखों की लागत मिट्टी में मिल गई। मैंने एक भी पेड़ बचा हुआ नहीं है, सब ढह गया है। 100 आदमी का मिलाकर 40-50 बीघा नुकसान हुआ। 6-7 आदमी हम लोग किसान बनियापुर में जो है खेती करते हैं केला का, और सब लोगों का लागत खर्च 50 लाख से ज्यादा है। हम लोग साधारण परिवार से आदमी कर्ज ले करके और इतना लागत लगाए और तूफान बर्बाद कर दिया। अगर मौसम ने ये कहर न ढाया होता तो किसानों को इस बार केले की अपनी फसल से लाखों की कमाई होने की उम्मीद थी, पर अब तो घर परिवार चलाने का ही संकट खड़ा हो गया है। रोड पर साफ आ गए हैं, हम लोग का बाल बच्चा कैसे जिएगा, इसके भी मैंने यह भी गंजन के ओर है। हम लोग क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब किसान सरकार पर केले की खेती से जुड़ी समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगा रहे हैं। तूफान और बारिश से नुकसान उठाने वाले किसान फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने से भी नाराज हैं। कई योजनाएं चला रही है तो इसमें तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं है कि किस योजना से मिलेगा। हम लोग तो छपरा जब फोन करते हैं तो लोग कहते हैं कि कोई इंश्योरेंस नहीं है केला का, तो किसान तो मर जाएगा ना, इसीलिए ना किसान आत्महत्या कर रहा है। केले के एक पौधे को पालने पोषने में लगभग 200 रुपए की लागत आती है। किसानों की माने तो बीते साल भी फसल खराब हुई थी, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिली। इस बार की तबाही ने तो कर्ज लेकर केले की खेती करने वाले किसानों की कमर ही तोड़ दी है। लगभग एक पेड़ में 200 रुपए खर्च है, भगवान सरकार अगर चाहे तो अगर दे दे तो फिर हम लोग जीवित हो सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग छोला भटूरा बेचेंगे, दूसरा क्या करेंगे। अब तो सरकार जाने, लागत खर्च भी अगर दे देती है तो कुछ राहत मिलेगा, नहीं तो हम लोग केला की खेती बंद करेंगे, अगले साल भी नुकसान हुआ, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। केले की खेती करने वाले किसानों में से ऐसे किसान ज्यादा हैं जो बगैर किसी कागजी कार्यवाही के जमीन लीज पर लेकर फसल लगाते हैं। ऐसे में अगर सरकार ने मुआवजा दिया तो जरूरी कागजात के अभाव में इन किसानों तक कोई राहत भी पहुंच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार के छपरा से आलोक जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी सीमा पर किसान टिड्डियों से परेशान है। बीकानेर के कोलायत इलाके में टिड्डियां खेतों में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तेज हवाओं के कारण टिड्डियों से निपटने के इंतजाम कारगर नहीं हो पा रहे हैं। राज्य का कृषि इनसे निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन टिड्डियों का झुंड बाड़मेर और जैसलमेर की ओर बढ़ रहा है।
किसानों का कहना है कि ये टिड्डियां जिस खेत में डेरा डालती हैं उसमें खड़ी फसल को चट कर जाती हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले में 26 साल बाद इन रेगिस्तानी टिड्डियों ने हमला बोला है। इससे पहले 1993 में पाकिस्तान से आई ऐसी टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।